नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के पोते और पार्टी विधायक रोहित पवार की स्वामित्व वाली कंपनी बारामती एग्रो व कंपनी से संबंधित संस्थाओं की संपत्तियों पर आज छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई महाराष्ट्र राज्य बैंक से जुड़े कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई है, जिसके तहत पवार का गढ़ कहे जाते बारामती के साथ ही अमरावती, पुणे व औरंगाबाद स्थित कम से कम 6 स्थानों पर ईडी के पदकों द्वारा तलाशी ली जा रही है। इसे लेकर आज तक सहित देश की कई समाचार एजेंसियों ने समाचार प्रकाशित किया है और बताया है कि बारामती के साथ ही अमरावती स्थित रोहित पवार से संबंधित एक स्थान पर भी ईडी का दल जांच पड़ताल कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अमल में लाए जाने हेतु तैयार किए गए हिट एंड रन कानून का विरोध करने हेतु अभी हाल ही में राज्य सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रांसपोर्टरों द्वारा 3 दिन की हड़ताल की गई थी, जिसकी वजह से माल ढुलाई का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। पश्चात केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सफलतापूर्वक बातचीत करते हुए इस हड़ताल को खत्म कराया गया था, लेकिन अब ओनली ड्राइवर भाऊ मदद संघ सामाजिक संस्था द्वारा इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ 9 और 10 जनवरी की दरमियानी रात 12 बजे से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में 10 जनवरी से एक बार फिर माल ढुलाई का काम बुरी तरह प्रभावित होगा और यह हड़ताल लंबी चलने की पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं हिट एंड रन कानून को कायम तौर पर रद्द करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अमरावती जिला वाहन चालक कृति समिति के पदाधिकारियों ने आज से इरविन चौराहे पर अपनी मांग पूरी होने तक बेमियादी भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी है। आंदोलन के पहले दिन चौराहे पर वाहन चालकों ने अपने लाइसेंसों की होली भी की। राज्य में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, साथ ही इस बार अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा किस राजनीतिक दल की ओर से चुनाव लड़ेंगी, इसे लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि किस राजनीतिक दल की ओर से चुनाव लड़ना है इसका निर्णय युवा स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष व विधायक रवि राणा द्वारा लिया जाएगा। साथ ही विधायक रवि राणा ही यह तय करेंगे महायुति में घटक दल के तौर पर शामिल युवा स्वाभिमान पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना है या फिर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनावी टिकट लेना है। काम करत असताना जो लोकप्रतिनिधी आहे लोकांमध्ये राहून लोकांसाठी काम करणारा जो व्यक्ती पहिले टर्म मध्ये राहून एक्सपेक्टेड नव्हता विदाउट एनी गॉडफादर आपले पाठीशी कोणी नसताना जनतेसोबत 24 तास त्यांचे मदत राहून त्यांच्यासाठी काम करून देणं मला वाटते कामाचा तो रिफ्लेक्शन आहे जे त्यांनी काल बोलून दाखवलं। तर मला आनंद आहे की इमानदारीने डेडिकेशननी जर आपण काम केलं तर त्याची ओळख या पद्धतीने बाहेर येते। त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आम्ही एक घटक म्हणून युतीसोबत आहे आणि ते सगळे निर्णय जेव्हा बाकी पक्षांचे सीटबद्दल होईल तेव्हा रवीजी आपले पक्षाची जी सीट आहे त्याच्याबद्दल ते आपले पद्धतीने तिथे डिमांड करतील। इसके साथ ही सांसद नवनीत राणा ने विगत दिनों राकापा नेता जीतन रावाड़ द्वारा भगवान श्री राम को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि आवाड़ ने इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आवाड़ इन दिनों जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसे देखते हुए साफ महसूस होता है कि आवाड़ शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए आगरा भेजे जाने की जरूरत है। ज्या पद्धतीने त्यांचा स्टेटमेंट दिला पहिले तर पूर्ण देशाची त्यांनी माफी मागाव ज्या विचारावर हा पूर्ण संपूर्ण देश चालते मला वाटते जितेंद्र आव्हाडांजींना पक्ष ऑपोजिशनमध्ये बसणं हा आवरून नाही राहिला आहे आणि ते डायजेस्ट नाही होत आहे म्हणून त्यांना आग्राची गरज आहे। जर तिकीटची गरज पडली तर ते रवीजींना फोन करू शकतात ते तिकीट त्यांना अवेलेबल करून देऊ शकतात कारण की सायकेट्रिस्टना जे मेंटली अपसेट जे लोक झाले आहे त्यांच्यासाठी जे त्यांना ट्रीटमेंट पाहिजे ते आग्रामध्ये नक्की भेटेल। वहीं राकापा नेता आवाड़ द्वारा दिए गए बयान की सख्त आलोचना करते हुए भाजपा नेता तथा पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने अपना रोष प्रकट किया और साथ ही कांग्रेस नेता जितेंद्र आवाड़ को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि रामायण के साथ हजारों साल का इतिहास जुड़ा हुआ है, उस समय शायद जितेंद्र आवाड़ नहीं रहे होंगे और अगर रहे होंगे तो शायद वे बकरी रहे होंगे। संभवतः तो यही वजह है कि उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर इस तरह का बेतुका बयान दिया है। इसके साथ ही बजरंग दल के अमरावती जिला महामंत्री चेतन वाटनकर के नेतृत्व में राकापा नेता जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ जिला प्रशासन से शिकायत की गई, जिसमें कहा गया कि आवाड़ ने अपने बयान की वजह से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, अतः उन पर अपराध दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रभु श्री राम जी के लिए अभद्र वाणी का प्रयोग किया है और उसने
भगवान श्री राम को मांसाहारी, भगवान श्री राम को शिकारी, इस प्रकार की अभद्र भाषा का उसने वर्णन कर संपूर्ण हिंदू समाज को आहत किया है। आज पूरे देश में राममय वातावरण चल रहा है। संपूर्ण हिंदू समाज अयोध्या के भव्य मंदिर के शुभारंभ के उत्सव में लगा पड़ा है और ऐसे समय में केवल मीडिया की प्रसिद्धि पाने को देश का वातावरण खराब करने के मंशा से षड्यंत्र रचकर हिंदू समाज को उकसाने का काम यह जितेंद्र आवाज कर रहा है। एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित महासचिव जीतू ठाकुर ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि कबड्डी को देश और क्षेत्र में गत वैभव दिलाना है तथा इस खेल को आगे बढ़ाना है। कबड्डी को समर्पित व्यक्तित्व जीतू ठाकुर ने अमरावती और क्षेत्र में इस खेल को बढ़ावा देने की बात बड़े संकल्प पूर्ण तरीके से कही और कहा कि वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सहित कई क्रीड़ा आयोजन अमरावती शहर में कराने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुपर वॉरियर्स के ऊपर संयोजक के तौर पर नियुक्त किए गए दिनेश सूर्यवंशी ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की और अपनी जिम्मेदारियों व नियुक्ति के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी, जिसके तहत उन्होंने पार्टी के चुनावी कार्यक्रम व रणनीति के बारे में बताया और कहा कि पार्टी ने उनके द्वारा किए गए कामों को देखते हुए उन पर विश्वास जताया है। ऐसे में वे अपने काम के प्रति निष्ठावान रहेंगे और सभी के साथ व सहयोग से पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने हेतु तमाम आवश्यक प्रयास करेंगे। विगत वर्ष आयोजित गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव सहित 28 सितंबर को ईद मिलाद का पर्व बड़े शानदार तरीके से मनाया गया था। इस दौरान दुर्गोत्सव और गणेशोत्सव में बेहतरीन झांकी प्रस्तुत करने वाले सार्वजनिक मंडलों हेतु स्पर्धा आयोजित कर पुरस्कार देने की घोषणा शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा की गई थी, जिसके तहत आयुक्तालय सहित विभाग स्तर पर प्रथम 3 क्रमांकों पर रहने वाले सार्वजनिक मंडलों को आज महाराष्ट्र पुलिस के स्थापना दिवस सप्ताह यानी रेजिंग डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में समारोह पूर्वक पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से गुजरात राज्य के हापा स्टेशन तक चलने वाली बिलासपुर हापा साप्ताहिक ट्रेन का विस्तार अब ओखा तक किया गया है। यह ट्रेन बडनेरा स्टेशन से जाने वाली रहने के कारण अमरावती बडनेरा शहर सहित जिले के भक्तों को द्वारका तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए अब एक और ट्रेन उपलब्ध होगी। जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक में विगत कुछ माह से सत्ताधारी व विपक्षी संचालकों के बीच जमकर मनमुटाव चल रहे हैं। वहीं गत रोज सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष के 5 संचालकों के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। विभागीय सह निबंधक द्वारा गत रोज बुलाई गई विशेष सभा में 16 विरुद्ध 5 मतों से 5 विपक्षी संचालकों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। शिक्षक सहकारी बैंक के संचालक मंडल में अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पश्चात प्रभाकर धोड़, मंगेश खेड़े, गौरव काले, संजय नागे व मनोज चोरपकर द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि बैंक के मौजूदा सत्ताधारी संचालकों द्वारा वेतनभोगी शिक्षक कर्मचारियों की बैंक को नागरिक सहकारी बैंक में तब्दील करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर इसे लेकर बैंक के सदस्यों को जागरूक किए जाने पर सत्ताधारी दल ने अपने पास रहने वाले बहुमत का दुरुपयोग किया और 5 विपक्षी संचालकों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें संचालक मंडल से बाहर बँकेतली राजकारणाची जी एक पद होती ती पद लोकशाहीवर हा हल्ला करून सत्ताधाऱ्यांनी घालवली आहे। या घटनेचा आम्ही सर्व लोक तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो आणि या घटनेला या सगळ्या पार्श्वभूमीला कायदेशीर पद्धतीने कशा पद्धतीने चॅलेंज देता येईल, कशा पद्धतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये ही केस लढवता येईल यासाठी सर्वसामान्य सभासदांनी सुद्धा आमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहावं असं सुद्धा आवाहन आपल्या माध्यमातून आम्ही करू इच्छितो आहोत। या अनुषंगाने आपले प्रश्न आणि हे कसं कसं प्रकरण इथपर्यंत गेलं आणि त्यांनी जो आरोप केला की या 5 संचालकांनी सेवानिवृत्त लोकांना काढण्यासाठी कोर्टात केस दाखल केली होती, या अनुषंगाने डे टू डे माननीय राज्य निवडणूक प्राधिकरणाचे आदेश या लोकांनी दाखल केलेला कोर्टातली केस आम्ही मित्रांनो कोणतीही केस स्वतःहून कोर्टात दाखल केली नाही। शंकरनगर रोड स्थित होटल अपना घरौंदा के संचालक अमोल बनारसे व दीपाली बनारसे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि पारंपरिक खाद्य संस्कृति को संरक्षित करने हेतु आगामी 21 जनवरी को सुबह 10 से 12 बजे तक रोड़का खाओ पुरस्कार जीतो प्रतियोगिता रखी गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के हाथों होगा। आता हॉटेल आपण 21 तारखेला 21 जानेवारी रोजी आपण कॉम्पिटिशन ठेवायचा प्रयत्न करायचा म्हणजे ठेवली आहे। याचं प्राईस आपण ठेवलेलं आहे, एंट्री फी ठेवली आहे 501 रुपये। आपण ह्या लिमिटेड एंट्री घेतल्या आपण लिमिटेड एंट्री घेतल्या आहे आपण लिमिटेड एंट्री असं घेत आहे की बा आपण 25 जेंट्स 25 लेडीज म्हणजे प्रोग्राम चांगला झाला पाहिजे
आणि प्रोग्रामचं आपल्याला महत्त्व आलं पाहिजे या प्रकारे। मुंबई से शेगांव के बीच प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन को अमरावती तक चलाने का आग्रह कई भावी श्रद्धालुओं द्वारा सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा से किया गया। इन सभी लोगों ने हनुमानगढ़ी में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के सफल आयोजन हेतु राणा दंपति का अभिनंदन भी किया और फिर वंदे भारत ट्रेन को अमरावती तक चलाने के बारे में निवेदन सौंपा गया। अमरावती जिले में विगत एक माह से 2462 आंगनवाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं अपनी विभिन्न मांगों के लिए हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को ताले लग गए हैं। इस कारण अब जिला परिषद के महिला व बाल कल्याण विभाग ने हड़ताल पर गई बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने का कारण बताकर सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को नोटिस जारी किया है। जिला सामान्य अस्पताल में विगत मंगलवार को हृदय संबंधी समस्याएं रहने वाले 94 बच्चों की 2D इको टेस्ट की गई, जिसमें से 30 बच्चों में हृदय विकार की तकलीफ रहने का निदान किया गया। इन बच्चों पर जल्द ही RBS के अंतर्गत निशुल्क हृदय विकार शल्यक्रिया भी की जाएगी। रैली प्लॉट स्थित श्री गोवर्धन नाथ हवेली सत्संग मंडल द्वारा गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमद प्रभुचरण विठलनाथ गोसाई के 509 प्राकट्य महोत्सव अंतर्गत आयोजित शोभा यात्रा आज सुबह आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला व पुरुष वैष्णवजन सहभागी हुए। नगर परिक्रमा करने के उपरांत इस शोभा यात्रा का रैली प्लॉट स्थित हवेली मंदिर में समापन किया गया, जहाँ पर जलेबी का भोग लगाकर जलेबी उत्सव मनाया गया। नववर्ष के स्वागत हेतु बडनेरा के निकट रामे के कॉलेज परिसर स्थित रूट्स रेस्टोरेंट में इकट्ठा होकर भोजन करने वाले शिवसेना शिंदे गुट के 5 कार्यकर्ताओं ने 2 जनवरी की शाम होटल में भोजन किया था, लेकिन अगले दिन सुबह से सभी को अस्वस्थ महसूस होने लगा तथा उल्टी व दस्त की शिकायत होने लगी। ऐसे में पांचों को बुधवार 3 जनवरी की रात 8:30 बजे इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर पांचों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। नागपुर से अमरावती की ओर आ रही तेज रफ्तार इर्टिगा कार स्पीड ब्रेकर से अचानक ही जोरदार ढंग से उछली और रास्ते पर पलट गई, जिसे पीछे से आ रही एक दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे के चलते इर्टिगा कार में सवार मां बेटी की मौके पर मौत हो गई, वहीं उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा नागपुर अमरावती महामार्ग पर वाडी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 8वां माइल परिसर में गुरुवार 4 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे के आसपास घटित हुआ। अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत रत्नापुर गांव में रहने वाले गिरनाले परिवार की रजनी गिरनाले व सुभाष गिरनाले की इस हादसे में मौत हुई है। वहीं 20 वर्षीय रजनी गिरनाले वो उनके बेटे अक्षय गिरनाले की इस हादसे में मौत हुई है। वहीं 20 वर्षीय श्रद्धा गिरनाले इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुई है। पता चला है कि श्रद्धा गिरनाले का नागपुर में इलाज चल रहा था, जिसे अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद वह अपनी मां व भाई के साथ कार में सवार होकर नागपुर से अंजनगांव सुरजी की ओर वापस लौट रही थी। इस समय अक्षय गिरनाले कार चला रहा था, वहीं उसकी मां व बहन पिछली सीट पर बैठे हुए थे। तभी 8वां माइल के पास सड़क पर रहने वाले स्पीड ब्रेकर को पार करते समय उनकी कार अचानक उछल गई और सड़क पर पलटी खा गई, जिसे पीछे से आ रही दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मारी। पथरोड के पास होटल अतिथि ढाबा व रेस्टोरेंट में घटित संदीप दामले नामक वेटर की हत्या के मामले में पकड़े गए वेटर व कुक द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अब पथरोड पुलिस ने होटल के मालिक मोहन पाटिल को भी गिरफ्तार किया है। मोहन पाटिल पर इस हत्याकांड के सबूतों को छिपाने व सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का अपराध दर्ज किया गया है। 3 दिन पहले बडनेरा में 4 से 5 युवकों ने आसिफ अली नामक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया था और घायल अवस्था में उसे इरविन अस्पताल के गेट पर छोड़कर भाग गए थे। इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने 4 आरोपियों को नामजद करते हुए मोहम्मद आसिफ उर्फ लड्डू को गिरफ्तार किया था। वहीं अब मोहम्मद आसिफ उर्फ लड्डू ने सैफ अली के खिलाफ हत्या मांगने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने सैफ अली के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर चाकूबाजी में घायल सैफ अली ने कहा कि मुखबिरी किए जाने के संदेह को लेकर उस पर हमला किया गया था और आरोपियों ने उसे जान से मार देने के इरादे से चाकू मारे थे। सैफ अली के इस बयान के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने आसिफ लड्डू के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या के प्रयास का मामला भी जोड़ दिया है। मंगरूल दसगीर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की कनिष्ठ महाविद्यालय से घर वापस लौटते ही बैग में कपड़े व दस्तावेज लेकर भाग गई, जिसे किसी के द्वारा भगा ले जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। खामगांव के अड़क व्यवसायी प्रमोद चांडा को नांदेड़ जिले के व्यापारी देवानंद धूत ने 1,37,34,366 रुपए की चपत लगा दी, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर नांदगांव शहर पुलिस ने नांदेड़ के व्यापारी गोविंद प्रसाद धूत के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।